नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, बंधन अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डर्टी बम के बारे में, जिसे आपने थंबनेल में नहीं देखा है कि जिसके कारण रसिया क्या करता है, यूएन में चला गया है कि देखो मेरे ऊपर डर्टी बम का प्रयोग होने वाला है। ओके, तो आइए हम इसे डीप में समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ द डर्टी बम। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये जानकारी पूरी डीप में हम देने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ चैनल को ही सब्सक्राइब करना है। इज दैट क्लियर? तो आइए चलिए हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। डर्टी बम क्या ये न्यूक्लियर बम है, क्या कहीं से ज़्यादा खतरनाक है या न्यूक्लियर बम से कम है? देखिए, डर्टी बम क्या होता है, इसे न्यूक्लियर बम नहीं कहते हैं और ना ही कहने वाले इसे न्यूक्लियर बम से कम मानते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही घातक है, क्योंकि प्रक्रिया निर्माण में, इसके निर्माण में जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वो रेडियो एक्टिव ही हैं। वो रेडियो एक्टिव पदार्थ का ही निर्माण किया प्रयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनसे विकिरणें निकलती हैं, और विकिरणें जो होती हैं, विकिरणें तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और ये किरणें जहाँ भी जाती हैं तहाँ सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुँचाती हैं। हालांकि इसका निर्माण करने में यूरेनियम 235 का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, और जिन बम को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उसी बम को ही सिर्फ न्यूक्लियर बम की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन जिस बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे न्यूक्लियर बम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। पॉइंट नोट कर लीजिए। ओके, तो समझते कोशिश करते कि आखिर रेडियो बम कैसे बनता है। रेडियो बम क्या होती है? इनसे रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ में इनमें जो प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं वो कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट एक ऐसा पदार्थ जिसका हॉस्पिटल में कैंसर थेरेपी के लिए प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट क्या होता है? ऐसा पदार्थ होता है जिसका हॉस्पिटल्स में कैंसर थेरेपी के लिए, इलाज के लिए किया जाता है, वही कोबाल्ट होता है। इसको, इसका डर्टी बम बनाने के लिए इजीली मार्केट में जो भी पदार्थ मार्केट में उपलब्ध हैं उनसे खरीद कर, जो विकिरणें उत्सर्जित करते हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, उनके प्रयोग से डर्टी बम बनाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अधिक टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से डर्टी बम का निर्माण किया जाता है। हालांकि रसिया पहले ही जाके यूएन में बता चुका है कि रसिया क्यों गया यूएन में। मेरी बात सुनिए, रसिया क्यों गया यूएन में ऐसा कहने के लिए? क्यों? क्योंकि रसिया यूक्रेन के खेरसान कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनको अपने अधिग्रहण में कर चुका है, और उसको डर सता रहा है कहीं अगर यूक्रेन इस पर डर्टी बम का प्रयोग कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो एरिया अपने कब्जे में ले लेगा। कब्जे का मतलब वो एरिया पूरा वीरान हो जाएगा, वहाँ पे वहाँ की पूरी आर्थिक स्थिति, पूरा फाइनेंशियल, हर चीज़ गायब हो जाएगा, पब्लिक भी वहाँ पे निकल जाएगी। इसलिए वो पहले जाके यूएन में बता चुका है कि भाई मेरे ऊपर अटैक करने वाला है तो मैं भी न्यूक्लियर बम का प्रयोग करूंगा, मुझे कोई रोकेगा नहीं। इसीलिए वो जाके वहाँ पे पहले किया, क्यों ध्यान देना, क्योंकि इस युद्ध अटैक करने से पहले भी रसिया यूएन में गया था। इस तरह से उसने कहा था कि देखो यूक्रेन में रहने वाले यूक्रेनियों के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो हमारे रसिया को सपोर्ट करते हैं उन पर यूक्रेन अत्याचार कर रहा है, इसलिए हम लड़ाई में कूद रहे हैं। पहले भी ऐसे हरकत कर चुका है रसिया और ऐसे इस बार भी कर रहा है, तो ये कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है कि न्यूक्लियर बम का अटैक ही होने वाला है इस तरह से, क्योंकि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अपने नागरिकों को तुरंत अपना देश छोड़ें, और इंडिया भी अपनी एडवाइजरी जारी कर चुका है कि जितने भी इंडियंस हैं वो जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पर बड़ा कुछ होने वाला है जिसका क्या होगा बाद में, उसका हमेशा भुगतना पड़ेगा जो लोग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए डर्टी बम क्या होता है, डर्टी बम जब छोड़ा जाता है, जब मान लो एक 5 किलो का डर्टी बम, इतना अनुमान लगाया गया कि 5 किलो का डर्टी बम जो होता है अगर फ्रांस शहर पे छोड़ दिया जाए या पेरिस या मास्को पे छोड़ दिया जाए, पूरा का शहर पूरा ध्वस्त हो जाएगा। कहने का मतलब तुरंत नुकसान तो नहीं पहुँचाता वो, लेकिन धीरे धीरे हवा में मिलकर वो नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि वो विकिरण जो उत्पन्न करता है उस विकिरण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होता है, लोगों को चर्म रोग होना प्रारंभ हो जाता है, लोगों को सीधे कैंसर का प्रभाव बढ़ना चालू हो जाता है। इतना घातक होता है, धीरे धीरे आने वाले समय में घातक बनता है। ये तुरंत घातक नहीं होता न्यूक्लियर बम की तरह कि तुरंत अपने अंदर विकिरण उत्सर्जित किया तुरंत विनाश करना चालू कर दें, इसलिए नहीं होता, क्योंकि इसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो डर्टी बम एक ऐसा हथियार है जो पारंपरिक विस्फोट जैसे डायनामाइट को यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मिक सामग्री को जोड़ता है। ये जो होते हैं डायनामाइट जैसे पदार्थ को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ओके, क्योंकि ये अक्सर आतंकवादियों को एक हथियार के तौर पर जाना जाता है, इसे देशों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे किसी सैन्य लक्ष्य को खत्म करने से ज़्यादा डर रहता है और दहशत फैलने के लिए बनाया गया है सिर्फ इसे। ओके, तो इसलिए जिसमें ज़्यादातर प्रयोग किसका किया जाता है, डायनामाइट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको, इस बम को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है।
ओके। दुनिया ने रूस के दावों को भी खारिज किया क्योंकि रूस जो बोल रहा है डर्टी बम के लिए वो गलत बता रहा है। डर्टी बम क्या होता है? डर्टी बम में जो होता है ये डर्टी बम एक शॉर्ट हैंड है जिसे परमाणु सुरक्षा अधिकारी रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस भी कहते हैं। यानी एक ऐसा डिवाइस, ध्यान रखना, एक ऐसा डिवाइस जो उपकरण जो रेडियोधर्मी पदार्थ को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पर डायनामाइट जैसे अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटों के साथ किसी तरह के रेडियोधर्मी कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये थोड़ा डेंजरस है इसलिए इनसे अवॉइड करने के लिए क्या कर रहा है वो रसिया यूएन में गया है। यूएन में बता रहा है कि अगर उसने मेरे ऊपर यूएन क्या बोलते हैं यूक्रेन अगर मेरे ऊपर डर्टी बम का प्रयोग करता है तो मैं भी ऐसा करने में परहेज नहीं करूंगा, मैं भी उसके ऊपर न्यूक्लियर वार करूंगा। ओके, तो थोड़ा सीन देखने की कोशिश करते हैं डर्टी बम की किस तरह से ये हानिकारक हो सकता है न्यूक्लियर बम की तरह जिस तरह से। ओके, तो लेट्स हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे चलते हैं इसके इस तरह से देखिए इस तरह से क्या होता है उसका अटैक होता है न्यूक्लियर बम की तरह ही इसका विस्फोटक अंदाज रहता है विस्थापक क्या होता है रूप होता है जो हर जगह तबाही फैलाने में सक्षम होता है। इस प्रकार से ये डर्टी बम होते हैं अपना न्यूक्लियर वार करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सीधा पॉइंट में दे दिया गया व्हाट इज द डर्टी बम। ये डर्टी बम इज ए मिक्स ऑफ एक्सप्लोसिव सच एज डायनामाइट विद रेडियो एक्टिव पाउडर आर पॉलिश्ड हो द डायनामाइट आर अदर एक्सप्लोसिव आर सेट ऑफ एंड द ब्लास्ट कैरियर